जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु राज स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जेएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का मिक्स सेट 2 का आज सेशन हम लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि आपने सेट 1 जरूर लगाया होगा, और नहीं लगाया तो जाकर देखिए। सेट 1 में 50 क्वेश्चंस का सेट है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, अपने को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सेशन को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक जबरदस्त लाइन हमारे टीम ने लगाया है, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियों, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सचिवालय का डेट बढ़ गया है, परंतु रुकना नहीं है, है ना, इसलिए यह लाइन लगाया गया है, ख्वाब बड़े सफर बड़ा। ख्वाब जब बड़ा है, सफर जब बड़ा है, तो चुनौतियां कितनी भी आए पार कर जाना है, रुकना नहीं है झुकना नहीं है, कैसे कह दूं हार गया मैं। तो ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं कैसे कह दूं हार गया मैं, हार गया मैं। तो जीतना है दोस्तों, तो जीतने के लिए चलते हैं सेशन को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा था कि इनकी भाषा ललित व सनुप्रास होती थी? तो आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, जैसे कि दिया गया हमारा रामचंद्र शुक्ल के बारे में, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां से यह सवाल लिया गया है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के बारे में कहते हैं कि इनकी भाषा जो है ललित और सनुप्रास होती थी। चिंतामणि, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि। चिंतामणि की कुछ रचनाओं को अगर हम देखें तो चिंतामणि की रचनाएं कवि कालपद्रम इनकी रचना है, केशव की रचना देखे तो रामचंद्रिका केशव की रचना है, उसके अलावा रसिक प्रिया कवि प्रिया, ये किनकी रचना है? केशव की रचना है। तो हमारा ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा चिंतामणि। चिंतामणि के बारे में यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, कालिदास कविता के रचनाकार हैं। तो कवि जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से यह रचना जो है वो नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की। कालिदास कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, जिसके बारे में सचिवालय में सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन 2 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो कमेंट करके देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आप इस सेशन को लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो सारा कमेंट आप भी करिए। तो 3 का कमेंट क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी नमक का दरोगा, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी ईदगाह। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है, जिसकी रचना 1936 में प्रेमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1936 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी अंतिम कहानी जो है वो कफन है। तो 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मर्यादा की रक्षा करना, ऑप्शन बी तत्काल मर जाना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी इज्जत ना करना। तो पानी ना मांगना मुहावरे का क्या अर्थ है, कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 4 का। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, तत्काल मर जाना। पानी ना मांगने का अर्थ क्या है? तत्काल मर जाना। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ किसकी बैसाखी के सहारे जीवन यापन करने वाला एक कायर इंसान है? ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी जुनेजा, ऑप्शन सी जगमोहन, ऑप्शन डी सिंघानिया। तो इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आधे अधूरे नाटक महेंद्रनाथ क्या है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार है मोहन राकेश। इसकी रचना कब हुई थी? मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे नाटक की रचना 1969 में की गई थी। तो उसमें किसके बार महेंद्रनाथ जो है किसकी बैसाखी के सहारे जी रहा था? जुनेजा के सहारे जी रहा था। जुनेजा जो था उसका मित्र था, दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, हालांकि उस व्यापार में महेंद्रनाथ को नुकसान होता है और घर में बैठ जाता है,
तो वह जुनेजा के सहारे जीवन यापन करने वाला एक कायर इंसान है। तो फाइव का हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वापसी कहानी में कौन अलग रहने का सोचने लगता है? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी बसंती, ऑप्शन डी गजेंद्र बाबू। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वापसी कहानी के बारे में अगर पढ़े तो वापसी कहानी के रचनाकार कौन है? उषा प्रेमवदा। वापसी कहानी की रचना उषा प्रेमवदा के द्वारा की गई थी, जिसमें से प्रमुख जो पात्र है वो गजेंद्र बाबू है, जो रेलवे में नौकरी करते हैं। 35 साल के बाद उनका रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद वो घर वापस आते हैं, जिसके पुत्र जो है नरेंद्र है, बड़ा पुत्र अमर है और बड़ी बेटी जो है उनकी कांति है। ठीक है, जिसके दोनों का विवाह हो गया है, उसके अलावा छोटा बेटा है नरेंद्र और बसंती उनकी बेटी है। जब वो आते हैं वापस तो वो अपने हिसाब से वो देखते हैं कि घर जो है अलग तरीके से चल रहा है, तो उसी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो अमर जो है वो अलग रहने का सोचने लगता है, उनका बड़ा बेटा। ठीक है, तो सिक्स का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोदान उपन्यास में नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो गोदान उपन्यास आप सबने पढ़ ही लिया होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र, ऑप्शन ए पुनिया, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी मालती, ऑप्शन डी गोविंदी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट कर दिया आप, ऑप्शन सी, सेवन का ऑप्शन सी हो जाएगा। मालती जो है नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र है। वहीं अगर पूछा जाए कि ग्रामीण कथा की प्रमुख पात्र कौन है, ग्रामीण कथा की, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट? धनिया हो जाएगा, जो होरी की पत्नी है। ठीक है, मालती गोदान उपन्यास के बारे में अगर बात करूं तो गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में की गई थी और जिसमें 36 अध्याय भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेवन का क्या है? ऑप्शन सी, नगर कथा की प्रमुख स्त्री पात्र मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद्रिका सुख साक्तरंग सुजान विनोद वृक्ष विलास और भाव विलास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी कुलपति मिश्र, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो प्रेमचंद्रिका सुख साक्तरंग सुजान विनोद, कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देव की ये रचनाएं हैं, जो रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन एट का हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीगंज के लोग कितने दलों में बटे थे? तो सबसे पहले बताइए मेरीगंज भाई किस किस उपन्यास के गांव का गांव है? मेरीगंज जो है किस उपन्यास का गांव है? तो मेरीगंज मैला आंचल उपन्यास के पूर्णिया जिले का एक गांव है। तो मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसकी रचना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में की गई थी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। मैलाचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। बोल रहा कितने दल में बटे हुए थे मेरीगंज के लोग? ठीक है, मेरीगंज के लोग कितने दलों में? ऑप्शन ए 12 दल, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मेरीगंज के लोग जो थे, कमेंट कर दिया आप अपना आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 दलों में बटे हुए थे। कौन कौन से दल थे? राजपूत कायस्थ और यादव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाववचन संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा पढ़े हुए हिंदी में संज्ञा के कितने भेद? भाव 5 भेद। भाववचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिससे किसी वह संज्ञा जिससे किसी, या फिर बोले कि जिससे किसी पदार्थ के गुण दोष अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, आदि के नाम का बोध हो। ठीक है, तो नाम का बोध हो, इसे पहचानेंगे कैसे? भाववाचक संज्ञा जो है उसके बाद आप क्या लगाइए, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा के देखिए। ठीक है, जैसे उसके बाद आप क्या करिए, संज्ञा लगाइए कुछ, जैसे शुभ है। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका है, उसके बाद आप क्या करिए, कोई भी संज्ञा लगाइए। शुभ के बाद आप दिवस लगाइए। हाँ भाई, लग गया शुभ दिवस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शुभ जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संकोची, इसके बाद लगाइए संज्ञा व्यक्ति, संकोची व्यक्ति, तो यह भी क्या हो जाएगा? विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। शरीफ व्यक्ति,
ठीक है, शरीफ आदमी, तो यह भी विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। परेशानी के अंदर लगाइए, परेशानी आदमी, नहीं हो रहा भाई, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा सभी विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो 10th का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेल जाने से स्वराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो गोदान उपन्यास में यह जो कथन है वह धनिया, ऑप्शन ए धनिया का, ऑप्शन बी झुनिया का, ऑप्शन सी हीरा का, ऑप्शन डी गोबर का। क्या होगा कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनिया। कहती है कि भाई जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। धनिया किसकी पत्नी थी? होरी की पत्नी थी, ठीक है। धनिया के पुत्र कौन थे? गोबर। उसकी पुत्री रूपा, सोना, ठीक है। दो बेटियां थी जिसमें रूपा, गोबर जो है कमाने के लिए लखनऊ भाग जाता है, ठीक है। गोबर जो है भोला की पत्नी झुनिया, झुनिया झुनिया से विवाह कर लेता है वो, है ना, जो कि एक विधवा, वही विधवा विधवा स्त्री थी, ठीक है। तो 11 का हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंत में किसको याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया? ठाकुर का कुआं कहानी का आधार बताए, आधार पर बताए, है ना, किसको याद किया? ऑप्शन ए जोखू की बीमारी, ऑप्शन बी देवताएं, ऑप्शन सी ठाकुर साहब, ऑप्शन डी साहू जी। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठाकुर का कुआं कहानी, रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। रचना कब हुई है? 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में मानसरोवर के खंड एक में इसकी रचना हुई है, ठीक है। उसमें प्रमुख पात्र कौन है? गंगी है और जोखू है। गंगी जो जोखू की पत्नी है, जोखू की पत्नी है, जिसमें जोखू गंदा पानी देख बीमार होता है, गंदा पानी देखती है, पानी गंदा है, तो उसके लिए पानी लाने को जाती है। और पानी लाना आपको पता है दलित समाज की थी, जोखू और गंगी दलित समाज के थे, तो तीन कुएं थे, एक कुएं दूर था उससे लाना पॉसिबल नहीं था रात में पानी, दूसरा कुआं ठाकुर साहब और साहू जी का था। और ठाकुर साहब के कुएं की ओर वो बढ़ती है, 9 बजे रात्रि में वो जाती है ताकि कोई ना देखे। वहां पे उसने कलेजा मजबूत किया क्योंकि डर था, है ना, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो याद करती है कि जो महगू था उसने बेगारी नहीं थी, उसके कारण इतना मार पड़ा था कि खून निकलता रहा था, है ना। तो 12th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो देवताओं को याद करके कलेजा को मजबूत करती है गंगी, और कुएं के घड़े घड़ा को कुएं में डाल देती है। तो 12th का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवताओं को याद किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरीगंज गांव में किस सेंटर की खुलने की बात की गई है? तो मेरीगंज गांव, ऑप्शन ए सिलाई सेंटर, ऑप्शन बी पोलियो सेंटर, ऑप्शन डी मलेरिया सेंटर, ऑप्शन डी महिला सेंटर। तो मेरीगंज गांव अभी मैंने बताया किस कहानी, किस उपन्यास से लिया गया है? हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल से लिया गया है, जिसमें मलेरिया सेंटर खुलने की बात कही गई है, मलेरिया सेंटर खुलने की बात कही गई है। मार्टिन की पत्नी के नाम पर रखा गया था मेरीगंज गांव का नाम, मेरीगंज, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उससे पहले आप सबको बता दूं कि जैसे CGL के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 में खोटा, हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी, और पेपर 3, तीनों पेपर का बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो कि जबरदस्त प्रैक्टिस सेट साबित हो रहा है। तो आप भी इससे जुड़िए और अपना इसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर है, भूखे को भोजन दो, यहाँ को कौन सा कारक है? तो कारक आप सभी पढ़ चुके होंगे, अधिकरण। अधिकरण का क्या होता है भाई? कारक चिन्ह मे, पर यहाँ पे को है। कर्ता का क्या होगा? ने, या फिर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होती है। करण में क्या होता है? करण से, कर्ता ने कर्म को, कर्म से कर्म को, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति चिन्ह है? को। तो कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? 14 का हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, भूखे को भोजन दो, यहाँ को में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। 14 का डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले।
जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और कुछ चाहे हो, जो कुछ हो, सिद्धांतवादी नहीं है। गोदान में यह कथन किसका है? तो गोदान उपन्यास किसके द्वारा रचित? प्रेमचंद के द्वारा, 1936 में रचित है ना, 36 अध्याय हैं। तो उसमें ग्रामीण कथा, शहरी कथा को लिया गया है। तो यह कथन किसका है? कथन से ही देख सकते हैं, यह शहरी कथन है। तो मेहता का कथन है, या मालती का कथन है, मिस्टर खन्ना का, या गोविंदी का, गोविंदी का। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका 15 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालती यह करती है, जो कि पेशे से क्या है, डॉक्टर है, जिसने डॉक्टरी पढ़ाई कहाँ की है, इंग्लैंड में की है। और मालती से कौन प्रेम करता है? मेहता प्रेम करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रह सकता, वह और कुछ चाहे, वो सिद्धांतवादी नहीं है। मालती कहती है, मेहता से बातचीत करती रहती है, वही उसी समय इसका ये जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैलाचल के बारे में किसने कहा है? लेखक ने इसमें कथा कहने की नई पद्धति अपनाई है। लेखक ने इसमें कथा कहने की नई पद्धति अपनाई है। वह सिनेमा की तरह अनेक शॉट एकत्रित करता है, और इसलिए उपन्यास के दृश्यों में संबद्धता दिखलाई पड़ती है। यह कथन किसने का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रामविलास शर्मा जी का यह कथन है, ठीक है। तो मैलाचल के बारे में यही रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि लेखक ने इसमें कथा कहने की नई पद्धति अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, सुमित्रा नंदन की पहली कविता कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन की पहली कविता कौन सी? ऑप्शन ए गिरजा का घंटा, ऑप्शन ए भावी पत्नी के प्रति, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी नौका विहार। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में अगर बात करें, तो गिरजे का घंटा या जो है इनका पहली रचना है, गिरजे का घंटा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में मैं बताऊं तो कुछ बातें बताऊं, इनके कुछ कुछ रचनाएं जो हैं, काव्य संग्रह जो हैं उसमें प्रसिद्ध काव्य संग्रह है हमारा वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उसके अलावा लोकायतन, लोकायतन, उसके अलावा चितंबरा, लोकायतन, चितंबरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। और भी रचनाएं इन्होंने की है। सुमित्रानंदन पंत किस काव्यधारा के हैं? छायावादी काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, चिदंबरम के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पूछा जाए आपसे कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? चिदंबरा के लिए। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी कवि कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। तो इसका 17 का सुमित्रा नंदन की पहली कविता जो हो जाएगी, गिरजे का घंटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य का किस वाद की कवित्री माना गया है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी जगवाद। जगवाद ये कोई वाद नहीं है, ठीक है। तो पर महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के किस वाद की कवित्री माना गया है? महादेवी वर्मा छायावाद की कवि है। छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन? महादेवी वर्मा, उसके उनके अलावा पंत, सुमित्रानंदन पंत, उसके अलावा प्रसाद, उसके अलावा निराला, सुरकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी चार कवि जो हैं, जो छायावंत के चार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा छायावाद की कवि है। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं अगर हम जाने तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनके प्रसिद्ध रचना यामा, याद रखेंगे आप, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, भारतेंदु ने अपने भारत दुर्दशा नाटक में किसे भारत दुर्दय के रूप में चित्रित किया है? तो ऑप्शन ए अंग्रेज शासकों को, ऑप्शन बी मुस्लिम शासकों को, ऑप्शन सी आपसी कलह को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। तो कमेंट करिए क्या होगा 19 का करेक्ट आंसर। तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा की रचना कब हुई थी? 1875 में, कहेंगे 76 भी आपको मिलेगा, ठीक है।
तो इनके द्वारा भारत दुर्दशा नाटक की रचना की गई, जिसमें 6 अंक है। कितने अंक है? 6 अंक। भारत दुर्दशा में कितने अंक है? 6 अंक। भारत दुर्दे को वो जो है किस रूप में दर्शाते हैं? अंग्रेज शासक और मुस्लिम शासक दोनों रूप में। तो 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, ये इसका वेशभूषा है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। उर्वशी का काव्य रूप है, उर्वशी कैसा काव्य है भाई? ऑप्शन ए बाल काव्य, ऑप्शन सी रीति काव्य, ऑप्शन सी गीति काव्य, ऑप्शन डी मुक्तव। तो सबसे पहले उर्वशी किसकी रचना है भाई? उर्वशी जो रचना है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, तो ये कैसा काव्य है? यह गीति नाट्य काव्य है। ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करिए 20 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए आपके। ठीक है, जांचिए खुद को, कमेंट करके बताइए 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। पशु अर्थात पशु जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सिंपल सी बात है, पशु पशु क्या एक होते हैं? नहीं भाई, बहुत सारे होते हैं। पशु से तो पूरी पशु जाति का बोध हो रहा है ना। तो पूरी जाति का बोध हो रहा है तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जब किसी खास व्यक्ति का बोध होगा तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जब भाव भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, अवस्था का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तरल पदार्थों का बोध हो, तरल द्रव गैस किसी का भाव बोध हो, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो पशु को क्या हो जाएगा हमारा? जातिवाचक संज्ञा। 21 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहासन 32, बैताल 25 और लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जब पढ़ेंगे तो सिंहासन 32, बैताल 25 और लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शन ए है लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश, ऑप्शन सी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खान। तो कमेंट करिए 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तीनों रचनाएं लल्लू लाल की है, सिंहासन 32, बैताल 25 और लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है? अपादान कारण क्या होता है भाई? अपादान कारक जहां अलगाव का बोध हो। क्या बोध हो? अलगाव का या निकटता का बोध हो, अलगाव या निकटता का बोध हो। ठीक है, वहां अपादान कारक होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? से जो है करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह है ना। तो करण कारक में क्या होता है? जहां साधन का बोध होता है। ठीक है, यहां पूछ रहा अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। ऑप्शन ए मैं जयपुर से चला रहा हूं, ऑप्शन बी सूर्य पृथ्वी से दूर है, ऑप्शन सी राम छत से कूद पड़ा, ऑप्शन डी सब मनुष्य आंखों से देखते हैं। तो देखिए अलगाव निकटता का कहां बोध हो रहा है? जयपुर से चला आ रहा हूं भाई, अलग हो रहा है जयपुर से। सूर्य पृथ्वी से दूर है, ठीक है, अलगाव की बात हो रही है। छत से कूद पड़ा, यहां भी अलगाव की बात हो रही है, लेकिन बोल रहा आंखों से देखता हूं, ये तो साधन का बात कर रहा है भाई। तो ये तो करण कारक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कौन सा अपादान कारक नहीं है। तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के आधार पर बताएं कि मेहता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित, ऑप्शन ए क्या बोलता है? प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे, बताइए सही है। ऑप्शन बी बोलता है वह बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र थे, ऑप्शन सी वह धनुष यज्ञ नाटक में पठान के भेष में आए थे, ऑप्शन डी वह गोविंदी से प्रेम करते थे। क्या करेक्ट आंसर होगा कमेंट करिए। तो 24 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, भाई सही जवाब है ना। तो गलत पूछ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र थे, सही है भाई। प्रेमचंद के विचारों के वाहक भी हमारे मेहता ही थे, मिस्टर मेहता। धनुष यज्ञ नाटक में क्या थे? पठान के भेष में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो गोविंदी से प्रेम नहीं करते। प्रेम किससे करते हैं? मालती से प्रेम करते हैं। गोविंदी को वो आदर्श रूप में मानते हैं, आदर्श नारी जो है मेहता के रूप में आदर्श नारी गोविंदी है, जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, लेकिन वो प्रेम मालती से करते हैं। तो बोल रहा है गलत कथन बोल रहा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुआ कहानी में शराबी ने 1 रुपये से क्या क्या खरीदा? तो मधुआ कहानी, ऑप्शन ए पहला देसी अद्धा, पकौड़ी
ऑप्शन बी मिठाई पूरी एवं नमकीन, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ करेक्ट आंसर कमेंट करिए। तो मधुवा कहानी रचनाकार कौन? जयशंकर प्रसाद। मधुवा कहानी की रचना प्रसाद ने की थी, जयशंकर प्रसाद ने की थी। आंधी कहानी संग्रह में छपा था, ठीक है, जिसमें एक शराबी जो होता है, पहले तो वो देसी आधा पकौड़ी खरीदता है, लेकिन मधुआ के मिलने के बाद, माधव के मिलने के बाद, वो मिठाई पूरी और नमकीन खरीदता है। 25 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस संख्याओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रववाचक संज्ञा। बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो या खास व्यक्तियों का बोध हो, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक ही प्रकार की। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का? एग्जाम्पल लेते हैं गंगा, एक ही नदी है भाई गंगा, राम, है ना। वही बोले जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध हो, है ना, बालक, बालक तो बहुत सारे होते हैं भाई, आदमी, कुत्ता, सब जाति, पूरी जाति का बोध हो रहा है। पदार्थ की अवस्था, है ना, गुण दोष ना के नाम का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के। द्रववाचक संज्ञा, है ना, पदार्थ की अवस्थाओं का बोध हो, अगर हम चले क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, तीनों अवस्था जो है, ठोस, द्रवल, गैस, ठीक है, सोना, चांदी, गिना नहीं जा सकता बोल सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? जिसे गिना नहीं जा सकता, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना, चांदी, आपका दूध, ठीक है, पानी, तो द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो 26 का हमारा बोल रहा है कि एक ही वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 26 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुदामा पांडे धूमिल का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए खेवली गांव और वाराणसी, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी दीवानपुर। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खेवली गांव वाराणसी में सुदामा पांडे धूमिल का जन्म हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं को अगर हम देखें, सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध रचना है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। इसके अलावा मोचीराम, इसकी रचना है सुदामा पांडे धूमिल की। तो 27 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर बताए सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? ऑप्शन ए लीलावती अस्पताल, ऑप्शन बी इरविन अस्पताल, ऑप्शन सी एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए क्या होगा। दिल्ली में एक मौत कहानी, दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरविन अस्पताल में हुई थी। इरविन अस्पताल में हुई थी, ठीक है। दीवानचंद जो है एक बिजनेसमैन थे, करोलबाग के बिजनेसमैन, जिसकी मृत्यु इरविन अस्पताल में हो जाती है। सर्दी का समय होता है, ठीक है, लेखक जो होता है सर्दी के कारण जाने के लिए सोच रहा था, मतलब आनाकानी कर रहा था जाऊं या ना जाऊं, ठीक है, और अपने कमरे से बैठकर देख रहा होता अपने पड़ोसियों को कि वो जा रहे हैं कि नहीं, अतुल मवानी, है ना, सरदार सिंह, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? इरविन अस्पताल में। दिल्ली में एक मौत कहानी के रचनाकार कौन है, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जागो जागो रे भाई, यह गीत भारत दूरदर्शन नाटक में किसके द्वारा गाया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी निर्लजता, ऑप्शन डी भारत भाग्य। तो जब इस नाटक को आप पढ़ेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी भारत भाग्य बोलता है भाई, जागो जागो रे भाई, है ना। तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी उषा देवी, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं नीर भरी दुख की बदरी, क्या हुआ करेक्ट आंसर कमेंट करिए। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद की कवि है, ठीक है, जिनके बारे में अगर बात करूँ तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवि मानी जाती है छायावाद के दौरान। तो 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो कमेंट करिए 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आपका, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रस खान किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल के, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो रस खान किस युग के कवि हैं, कमेंट करिए क्या जाएगा करेक्ट आंसर। रस खान भक्ति काल के कवि हैं। किसकी भक्ति करते हैं रस खान? कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। कौन सी रचना है रस खान की? शुजान रस खान, शुजान रस खान। उसके अलावा प्रेम वाटिका, उसके अलावा दान लीला, ये सब किसकी रचना है? रस खान की रचना है। तो भक्ति काल के ये रचनाकार है। रस खान का जो मूल नाम था, जब आप कभी आपसे पूछा जाए रस खान का मूल नाम क्या था, तो इब्राहिम, इब्राहिम इनका मूल नाम था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 32 नंबर की ओर चले। तो 32 नंबर हमारा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए पंक्ति की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी मतिराव। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इसकी रचना है, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बिहारी, 32 का बिहारी के, बिहारी जो है अपनी बिहारी सत्य में यह पंक्ति ली गई है, बतरस लालच लाल की, है ना। मतलब कृष्ण से मिलने के लिए वो मुरली को लुका देते हैं, है ना, गोपियां जो है वहां से लिया गया। 32 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा लगाया गया था? ऑप्शन ए 110 का मुकदमा, ऑप्शन बी 107 का मुकदमा, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 112 का मुकदमा। कमेंट करिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राग दरबारी उपन्यास के बारे में बात करूं तो इसके रचनाकार कौन है? श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास की रचना श्री लाल शुक्ल के द्वारा 1968 में की गई थी, 1968 में श्री लाल शुक्ल के द्वारा की गई थी, जिसके लिए 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उसमें अध्यापक जो थे उन पर 107 का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी में नहीं है? परिंदे कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? ऑप्शन ए लतिका, ऑप्शन बी जूली, ऑप्शन सी गंगी, ऑप्शन डी हेमंती। तो परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र। परिंदे कहानी के रचनाकार परिंदे कहानी के जो रचनाकार है वह है निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी की रचनाकार है निर्मल वर्मा। तो परिंदे कहानी में आप जब पढ़ेंगे तो लतिका जो है वो वार्डन की भूमिका में है, जूली उनकी विद्यार्थी है, हेमंती भी विद्यार्थी है, गंगी जो है वो परिंदे कहानी के पात्र नहीं है, गंगी ठाकुर के कुआं कहानी का पात्र है। तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? जब आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। तो 84 मानी गई है, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 35 का सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरुष्टी, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी सूत्रलिपि। तो खरुष्टी लिपि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, 36 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सभी लिपि जो है, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब लिपियों का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ए नंबर। ठीक है, तो 36 का बी नंबर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है कि उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है खरुष्टी लिपि। इसके बारे में आप इतिहास में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि खरुष्टी लिपि में अशोक के जो अभिलेख है मानसेहरा से मिले हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर है हमारा, संत मंत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी गणपति चंद्रगुप्त। तो कमेंट करिए 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा,
यह क्वेश्चन मैं आप सबों के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसका कमेंट करके आप बताएंगे आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले बता दूँ कि लेडी सुपरवाइजर जेएससी सीजीएल के लिए जो पेपर टू है हिंदी, उसके लिए 25 प्लस फुल लेंथ के टेस्ट आपके लिए बनाया गया है। इसको लगा कर देखिए, ठीक है, जबरदस्त से जब आप लगाएंगे तो आपको एकदम एग्जाम के तरीके एग्जाम का फीलिंग होगा, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी सिंगार रस। तो कमेंट करिए क्या होगा करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है, जिनके अगर कुछ रचनाओं की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं जिसमें प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, ठीक है, उसके अलावा रश्मि रथी, इसके अलावा उर्वशी, इसके अलावा संस्कृति के चार अध्याय, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए मिला था, ठीक है, दिनकर को। तो 38 का हमारा क्या करेक्ट आंसर है? सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। राग दरबारी उपन्यास में छोटा पहलवान के पिता का क्या नाम था? तो राग दरबारी उपन्यास छोटा पहलवान आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बदरी पहलवान जो था उसके साथ छोटा पहलवान रहता है, ठीक है, तो उसके पिता का नाम जो था क्या था? गयादीन जोगनाथ कुशहर वैद्य, उसके पिता का नाम कुशहर था, ठीक है, तो 39 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। खिड़की कैसा शब्द है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो खिड़की एक है देशज शब्द है, 40 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने कमायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? ऑप्शन ए नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो कमेंट करिए क्या होगा 41 का करेक्ट आंसर। मानवता का रसात्मक इतिहास किसे? कमायनी को। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, तो इसे मानवता का रसात्मक इतिहास कहने वाले जो हैं वह नंद दुलारी वाजपेयी। 41 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर नगेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्रसाद है प्राप्त है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी आलोचना, ऑप्शन डी उपन्यास। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट कर दिए। 42 का करेक्ट आंसर होगा आलोचना क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र को प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में बेमेल विवाह तथा पुनर्विवाह को दिखाया गया है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी राजश्री, ऑप्शन सी राधुरस्वामी, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को जब आप पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसको आप देखेंगे तो उसमें धुरस्वामी जो नाटक है इसमें बेमेल विवाह तथा पुनर्विवाह को दिखाया गया है, जिसकी रचना धुरस्वामी की रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने की थी, जिसमें धुरस्वामी का शुरुआत में जो विवाह होता है रामगुप्त के साथ होता है, बाद में रामगुप्त जो होता है वो एक बोल सकते हो ये सॉरी कायर शासक होता है, विलासी शासक होता है, ठीक है, इस कारण धुरस्वामी जो है चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त से ही उनका विवाह होता है, तो उसी नाटक में बेमेल विवाह को दिखाया गया क्योंकि धुरस्वामी शुरुआत में भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और बाद में उसी से विवाह भी होता है, तो बेमेल विवाह तथा पुनर्विवाह को धुरस्वामी नाटक में दिखाया गया है। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। सिंहद्वार में कौन सा समास है? तो सिंहद्वार का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सिंह का द्वार, ठीक है, तो क मिल गया आपको, ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, तो सिंह द्वार में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अच्छा, दोनों एक ही नाम है, बंद कर लीजिए इसे। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है कमेंट करिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सुरकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, जिसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। तो 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हमारा,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज का बिगड़ायल छात्र कौन है? ऑप्शन ए बद्री पहलवान, ऑप्शन बी रुपन बाबू, ऑप्शन सी रंगनाथ, ऑप्शन डी बलराम। तो राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज का बिगड़ायल जो छात्र है रुपन बाबू है, जो कि 10वीं कक्षा में 3 साल से फेल हो रहा है, 3 साल से फेल हो रहा है, ठीक है। किसका बेटा है भाई? वैद्य जी का बेटा है, छोटा बेटा है वैद्य जी का। वैद्य जी जो है वो पूरी राजनीति के मास्टरमाइंड, सबसे मुख्य पात्र बोल सकते हो, है ना, राग दरबारी उपन्यास के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुपन बाबू। वैद्य जी का बड़ा बेटा कौन है? बद्री पहलवान है, जो शरीर बनाने में व्यस्त रहता है। रंगनाथ वैद्य जी का कौन है? भांजा है भाई, भांजा है। जो कि इतिहास में क्या कर रहा है? इतिहास में रिसर्च कर रहा है, एमए किया उन्होंने, रिसर्च करने के लिए यहाँ आता है, छुट्टियों पर आता है। तो राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज का बिगड़ायल छात्र पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? रुपन बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिलेबस में नगेंद्र के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है, तो इसलिए इसके परिचय को जरूर देख लें। और मुझे ऐसा लग रहा है ये नगर पालिका में सवाल पूछा गया था। इनका जन्म जो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नीलम देश की राजकन्या राजकुमार की प्रतीक्षा में प्रतिदिन क्या करती है? तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि नीलम देश की राजकन्या का कहानी जो है उसके रचनाकार कौन है, ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। क्या करती है भाई राजकुमार की प्रतीक्षा में? सुबह शाम संगीत की गाती है, सुबह शाम आंगन को धोकर उस पर आसन बिछा देती है, सुबह शाम अच्छे अच्छे पकवान पकाती है, इनमें से सभी। तो इस कहानी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राजकन्या जो है, नीलम देश की राजकन्या जो कहानी है, जो कि 7 समुद्र पार एक द्वीप है वहाँ की कहानी है, जहाँ पर राजकन्या जो है राजकुमार का इंतजार करती रहती है, हालांकि वह उसका वहम रहता है, ठीक है। तो वह सुबह शाम जो है आसन बिछाती है, आंगन को धोकर उसके लिए आसन बिछाती है कि आएगा राजकुमार, आएगा। तो 48 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 49 नंबर, भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए या 3 रंग का झंडा, थोड़ा सा सादा, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, या तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, यह कथन मैलाचल में किसका है? ऑप्शन ए कालीचरण का, ऑप्शन बी वासुदेव का, ऑप्शन सी बलदेव का, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद का। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव, यह कहता है ना कि भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए, ठीक है, वासुदेव का कथन है। तो इस उपन्यास को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कालीचरण वासुदेव ये दोनों जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता है, वहीं बलदेव जो हमारा है वो कांग्रेस पार्टी का नेता है। तो कांग्रेस में 3 कलर के झंडा है ना, उसे देखकर वासुदेव यह कथन कहता है। वहीं विश्वनाथ प्रसाद जो है वो कायस्थ जनजाति के क्या है, मुखिया है, ठीक है, सॉरी कायस्थ जाति के मुखिया है, ठीक है। तो 49 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जिक्र है? तो पॉलिटी में भी आप पढ़ते आसानी से जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन ए है 5वीं सूची, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन सी 3री अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8वीं अनुसूची में, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाओं का जिक्र था, बाद में भाषाएं जुड़ती हैं, और अब भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दूं तो सबसे पहले सिंधी भाषा जुड़ती है, सिंधी भाषा, उसके बाद मैथिली, मैथिली, नेपाली, मैथिली, नेपाली, कोंकणी, उसके बाद बोडो, संथाली, डोंगरी, ये सब भाषाएं जो है मणिपुरी,
तो ये संविधान की 8वीं सूची में पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं जुड़ती है। इसे पॉलिटी का सवाल है और हिंदी का भी सवाल है, तो इसको देख लेंगे आप। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी हंसावली। तो कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप सबों के लिए हमारी टीम के द्वारा झारखंड सामान्य ज्ञान का 50+ प्रैक्टिस सेट का बुक बनाया गया है, उसके अलावा झारखंड करेंट अफेयर का बुक बनाया गया है, उसके अलावा भी फॉरेस्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बुक्स बनाए गए हैं हमारी टीम के द्वारा। तो उसका लाभ उठाइए, उसको परचेस करके, ठीक है। और पेपर 2 के लिए कांस्टेबल, झारखंड कांस्टेबल पेपर 2 है, उसके लिए भी कंप्लीट कोर्सेस हमारी टीम के द्वारा शुरू किया गया है, तो ज़रूर इसका लाभ उठाए। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करूँगा कि मुझे यह प्रैक्टिस सेशन जो है वो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो रहे हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कि क्या डाउट है आपके, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।